सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेक्नो प्रो 5G तरफ से आज इंडिया में लॉन्च हुआ बेहतरीन फोन जो बेहतरीन प्राइस के साथ देखने को मिला है। इसमें आपको 6.9 इंच की एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यूनिट का रिफ्रेशर, फुल एचडी रेजोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, साथ ही 16 एमपी का फ्रंट कैमरा और बैक की तरफ आपको 50 एमपी और प्लस 2 और एक ऑक्सिलरी मॉडल वाला कैमरा सेटअप देखने को, 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 8GB प्लस 228 वेरिएंट वाला फोन आपको 19,999 बीच में देखने को मिलेगा, मतलब 20,000 का फोन देखने को। इसमें आपको 6,000 एमएएच बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सब देखने को मिले। इस रेंज में बेहतरीन फोन हो चुका है जो टेक्नो प्रो 5G वेरिएंट वाला फोन लॉन्च कर दिया, जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 रियलमी 9 5G जो फोन है रियलमी 9 सीरीज में तो 5G वेरिएंट वाली होंगी, मगर रियलमी 9 9 भी 5G वेरिएंट वाला फोन हो सकता है। इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, 8.5 की एमएम की थिंक देखने को मिलेंगे, 5 एमएच की बैटरी, 48 प्लस 2 का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, 16 मेगा फ्रंट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें कौन सा चिपसेट है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं, मगर ये 5G वेरिएंट वाला फोन है। साथ ही को मुझे रियलमी बुक प्राइम सेट नाम का एक नया फोन लैपटॉप देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से, जो रीब्रांड मतलब जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था रियलमी बुक इनहांस नाम से, वही रियलमी बुक प्राइम नाम से देखने को मिल सकता है इंडिया में, कुछ होगा रियलमी की तरफ से। Samsung गैलेक्सी S22 की जो प्राइस है वो वियतनाम में मतलब वियतनाम जो प्राइस है वो रिलीज हो किसी प्राइस में इंडिया में देखने को मिल सकता है कुछ होगी। और ये Samsung S22 का जो फोन है कुछ $1,015 में देखने को मिल सकता है, S22 प्लस जो रहेगा वो $1,191 में देखने को मिल सकता है, S22 अल्ट्रा रहेगा कुछ $1,412 में देखने को मिल सकता है, कुछ वियतनाम की प्राइस देखने को मिल सकती है, क्या खरीद सही है कि नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन बोली आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही एक न्यूज आई कि इंडिया में जब फोन लॉन्च होगा स्मार्ट Samsung S22 सीरीज में ऐसा कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 जन वाला प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, 8 जन इसकी प्रोसेसर नहीं देखेंगे, कुछ ऑफिशियली न्यूज आ रही है Samsung की तरफ से, देखते हैं इसकी लॉन्च होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। मोटरोला की तरफ से मोटरोला जो उसका जो फोन मतलब ऐसा कहा दिया कि 24 तारीख को फोन देखने को मिलेगा मोटरोला की तरफ से, अगर कुछ ऑफली कन्फर्म नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है कि मोटरोला EJ30 Pro ही लॉन्च हो सकता है, मतलब इसी नाम से लॉन्च हो गया फिर कुछ नया नाम भी इसकी इन्फॉर्मेशन बोल दिया देखने को मिलेंगे, मगर जो मोटरोला का फोन है जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लॉन्च हुआ था जो चाइना में लॉन्च हुआ वो फोन आपको 24 फरवरी को इंडिया में देखने को मिलेगा मोटरोला की तरफ से। होनर की तरफ से होनर एक फोन होनर 60SE जो चाइना में लॉन्च हुआ मतलब खूब इसकी कॉपी है, मतलब पूरा उसका जो डिजाइनिंग है पूरा आईफोन के साथ डिजाइनिंग के साथ कॉपी किया है और ये चाइना में लॉन्च हो सकता है इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 साथ मिला है और 120 वाट का कर्व डिस्प्ले, 120 वाट की सेपरेशन और कर्व डिस्प्ले रहेंगे, साथ ही 66 वाट की फास्ट चार्जिंग सब देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप देखने को जो प्राइस में कन्वर्ट किया 25-26 हज़ार रुपये में देखने को मिला है, हो सकता है इंडियन प्राइस में देखने को मिले, इंडियन फोन देखने को मिलेगा होनर के प्राइस में, होनर बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब